चारों तरफ से बुद्धि को हटाए और सिर्फ फोकस करें अपने सत्य स्वरूप पर। मैं भ्रुकुटी के मध्य में चमकती हुई दिव्य मणि आत्मा हूं। मैं आत्मा प्रकाश का एक सितारा हूं। इस शरीर को चलाने वाली एक ऊर्जा हूं। अनुभव करें अपने आप को इस देह से न्यारी आत्मिक स्वरूप में। ये शरीर नाशवान है पर मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। मैं कभी मरती नहीं मुझे कभी कुछ नहीं हो सकता। मैं निर्भय हूं। ये शरीर सिर्फ एक वस्त्र है जो मैंने ओढ़ा हुआ है कर्म करने के लिए, पर मैं आत्मा इस वस्त्र से बिल्कुल न्यारी हूं। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। पवित्रता मेरा निजी संस्कार है।
अनुभव करें। अपने इस पवित्रता के संस्कार को अपने अंदर इमर्ज होते हुए पवित्रता के सागर शिव पिता की, मैं संतान हूं, मेरा पिता स्वयं भगवान परमधाम निवासी है। मैं आत्मा भी परमधाम की रहने वाली हूं। और कार्य करने के लिए इस स्थूल वतन में, इस स्थूल शरीर में अवतरित हुई हूं। अब एक सेकंड में मैं आत्मा डिटैच हो जाती हूं अपने इस स्थूल शरीर से और पहुंच जाती हूं परमधाम, लाल सुनहरे प्रकाश के बीच। शांति की दुनिया में अनुभव करें, मैं परमधाम निवासी आत्मा हूं। Mm-hmm.
इस असीम शांति का अनुभव करते मैं अपने सामने देखता हूं वो पवित्रता का सागर शिव बाबा। अपनी पवित्र किरणें मुझ पर बरसा रहा है। चले बाबा के नजदीक और अनुभव करें उन पवित्र किरणों का। बस प्रकाश ही प्रकाश। चारों ओर फैला हुआ है। वो देह की दुनिया, देह के संबंध सब भूल चुके हैं। और मैं आत्मा सब विस्तार को सार में समेटकर अपने बीज रूप अवस्था में बाबा के सम्मुख स्थित हूं।
बाबा को निहार रहा हूं। उसकी वो पवित्र प्रकाश के किरणें अपने अंदर समाते हुए अनुभव कर रहा हूं। देखे वो एक एक किरण जो मुझ आत्मा के अंदर समा रही है, सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश और कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। बाबा के सानिध्य में इस बीज रूप अवस्था में
ये पवित्र प्रकाश की किरणें मेरे सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ रही है। और मेरे पास्ट के सभी विकर्म विनाश कर रही है। स्थित हो जाए इसी अनुभूति में, मैं आत्मा एकदम हल्का महसूस कर रहा हूं। मेरे सभी संकल्प समाप्त हो गए हैं। अब सिर्फ एक संकल्प है, मैं और मेरा बाबा। एकाग्र हो जाए इसी एक संकल्प में, मैं और मेरा बाबा।
मैं आत्मा और मेरा बाबा। मैं और मेरा बाबा। कितना सुकून है इस बीज रूप अवस्था में, जब सारा विस्तार इस एक संकल्प रूपी सार में समा गया है। मैं और मेरा बाबा।
इस अवस्था में मुझ आत्मा में बहुत शक्तियां भरती जा रही है। मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अपने अंदर पवित्रता की शक्ति अनुभव कर रहा हूं। मेरे पास्ट के सभी विकर्म नष्ट हो चुके हैं। और अब सिर्फ अपना निज स्वरूप, पवित्र स्वरूप ही अनुभव हो रहा है।
अपना निज स्वरूप अनुभव करते, अब मैं आत्मा परम धाम से उसी पवित्र स्वरूप को इमर्ज रखते हुए साकार वतन में लौट आती हूँ। मेरी ये पवित्रता मेरे सभी गुणों को और शक्तियों को इमर्ज रखती है। यह पवित्रता मेरा स्वधर्म है। इसके आधार से मेरा हर कर्म श्रेष्ठ हुआ ही पड़ा है। मैं महान आत्मा हूं। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। ओम शांति। जब तुमसे मन जुड़ जाता है आनंद अलौकिक पाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है आनंद अलौकिक पाता है। तुमसे
सितारों में हर पल बजता तेरा गीत निरंतर, सांसों के तारों में हर पल बजता तेरा गीत निरंतर, तेरे अनहद नाद के धुन अब गूंजे हर पल मन के की धुन अब गूंजे हर पल मन के भीतर, मन को पंख दे कैसे रोके ना रुक पाता है, इस मन को पंख दे कैसे रोके पाता है, तुमसे मिलने की चाहत में मन मिलों तक उड़ जाता है, मन मिलों तक उड़ जाता है, जब तुमसे मन जुड़ जाता है आनंद पाता है, जब तुमसे मन जुड़ जाता है आनंद अलौकिक पाता है। मन की मृग तृष्णा भटक गई थी कांटों के इस जंगल में, मैं अनजाना उलझ गया था मोह माया के दलदल में, शोर सब थम से गए हैं तुझ झरने की कलकल में, मन के शोर सब थम से गए हैं तुझ झरने की कलकल में, सारे प्रश्नों का हल तेरे एक ही उत्तर में, जब तुमसे मन जुड़ जाता है मन खुशियों से भर जाता है, जब तुमसे मन जुड़ जाता है मन मिलों तक उड़ आनंद अलौकिक पाता, मन खुशियों से भर जाता।